गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिया है। नंबर 1, सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज हम लोग थर्ड नंबर का टॉपिक देखेंगे, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड लॉस एंड प्रॉफिट। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट ना हुई हो ऐसी प्रॉफिट। नंबर 1 है एग्जाम्पल में जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कैसे, तो आप लोगों को पता हो जनरल रिजर्व है वो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट जो बचती है वो पार्टनर्स को पूरे के पूरे सारे के सारे जो रुपीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती, उसमें से थोड़े रिजर्व रखती है, यानी वो है प्रॉफिट में से साइड में निकाले हुए रुपीज़, यानी वो जनरल रिजर्व, राइट। तो जनरल रिजर्व है वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ऐसी प्रॉफिट है, ओके। एंड नेक्स्ट है पीएनएल अकाउंट, यानी पीएनएल अकाउंट की कौन सी बैलेंस, तो सीआर बैलेंस, क्योंकि डीआर बैलेंस तो वो लॉस हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी रिजर्व, एंड ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं समझाऊंगी, अभी इतना हम लोग समझेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं ये ट्रीटमेंट करनी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्यों ज़रूरी है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, ए एंड बी ऐसे दो पार्टनर है, उसका रेशियो है 2:1, ओल्ड रेशियो है उसका 2:1, एंड अभी आके उन्होंने डिसाइड किया है कि न्यू रेशियो है इक्वली 1:1। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 में ऐसा डिसाइड किया है 1:1 रेशियो रखेंगे, तो उससे पहले जनरल रिजर्व रखा होगा उन्होंने, राइट। उससे पहले पीएनएल अकाउंट की सीआर बैलेंस होगी उनकी, यानी कि ये प्रॉफिट उनको कौन से रेशियो में मिलनी चाहिए, कौन से रेशियो में उस बीच में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी बन गया है। तो आप लोगों को ये सारी अमाउंट है वो कहाँ पे दिखाई देगी, तो आप लोगों के सामने बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा होगा जनरल रिजर्व 50,000, पीएनएल अकाउंट 20,000, ये सारी की सारी है वो डिस्ट्रीब्यूट ना की गई प्रॉफिट, तो इसको हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ओके, समझ गए। ऐसे ही एक्युमुलेटेड लॉस आएगा, वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्युमुलेटेड लॉस के नोट मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो, इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर बुक के अंदर समझ लो रिजर्व लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, सिर्फ रिजर्व फंड लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी रिजर्व लिखा हुआ है, तो उनको क्या करना होगा, तो उनको आप लोगों को उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी अलग से, ओके। ऐसे ही एक्युमुलेटेड लॉस भी लिखा होगा तो उसका क्या करना है, तो उसके एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ। एक्युमुलेटेड लॉस यानी कि उसके अंदर दो टाइप की लॉस हो सकती है, एक तो एक्युमुलेटेड लॉस एंड एक है डिफरेंट रिजर्व। अब डिफरेंट रिजर्व यानी कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूँ तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस, ओके। तो इसके अंदर क्या करना होता है, एक्युमुलेटेड लॉस यानी कि पीएनएल अकाउंट की डेबिट बैलेंस। अब पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है वो कंपनी की प्रॉफिट कहलाती है, ऐसे ही पीएनएल अकाउंट की डेबिट बैलेंस है वो कंपनी की लॉस कहलाती है, ओके बेटा समझ गए, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए वो। तो इसकी आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी होती है ट्रीटमेंट करने के टाइम पे, तो इसमें जर्नल एंट्री कैसे आप लोगों को पास करनी है वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ। एक्युमुलेटेड लॉस और फिक्स्टिटियस असेट्स ब्रैकेट में मैंने लिखा है एग्जाम्पल में पीएनएल अकाउंट डीआर साइड या तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओके ऐसा लिखा होगा तो वो है लॉस, एक्युमुलेटेड लॉस। वो कहाँ पे लिखा होगा, तो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड यहाँ पे लिखा होगा पीएनएल अकाउंट, यानी कि पीएनएल की डीआर बैलेंस है, असेट साइड लिखी हुई है तो एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओके तो ये लॉसेस है, ओके बेटा। हम लोग यहाँ पे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में कब करनी है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है तब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ट्रीटमेंट करेंगे, एंड फिक्स मेथड से है तो हम लोग करंट अकाउंट से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। कब करनी है, तो बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किए बिना आप लोगों को करने नहीं है, ओके। यानी कि ओल्ड रेशियो में हम लोगों को ये ट्रीटमेंट करनी है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो यहाँ पे लिखिए अकाउंटिंग एंट्री,
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यानी कि आप लोगों को पता है वो हमारी सीआर बैलेंस है। ओके, प्रॉफिट है यानी कि वो हमारी सीआर बैलेंस है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस करेंगे एंड पार्टनर्स को क्रेडिट में डाल देंगे, क्योंकि पार्टनर्स को वो इनकम होगी। ओके, यानी कि उसकी जनरल एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ पे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स लिखेंगे तो इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, ऐसे ही आगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस, उसकी जनरल एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड, ओल्ड रेशियो में ये शेयरिंग करेंगे टू पीएनएल की डेबिट बैलेंस हो, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आप लोगों को पता है ये सारे के सारे है वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसलिए इसकी जनरल एंट्री, ये दोनों की जनरल एंट्री एक दूसरे की ऑपोजिट है, क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए फॉर्म में हम लोग उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट है तो उसको डेबिट में डाल देंगे। एंड वैसे भी पार्टनर्स की इनकम हो जाएगी यानी पार्टनर्स क्रेडिटेड हो जाएंगे, यहाँ पे पार्टनर्स के लिए लॉस होगा यानी पार्टनर्स है वो डेबिटेड हो जाएंगे। ओके, एंड जब भी हम लोग ये ट्रीटमेंट करेंगे तब उस के नेक्स्ट दिन से यानी कि जब हम लोग न्यू रेशियो जब से फॉलो करेंगे तब ये सारे के सारे ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने किए हैं वो है वो बुक के अंदर अपीयर नहीं करेंगे, यानी कि वो बुक के अंदर नहीं लिखेंगे दूसरी बार। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाऊं, यहाँ पे 50,000 जनरल रिजर्व लिखा है, मैंने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को शेयरिंग कर दिया है। अब नेक्स्ट ईयर जब हमारी बैलेंस शीट बनेगी तब ये 50,000 जनरल रिजर्व वहां पे नहीं होगा। ओके, समझ गए बेटा। अब आप लोगों को इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को सम्स करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 10। एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो है 3:2। आगे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल, यानी कि इक्वली है वो न्यू रेशियो है 1:1। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000। क्रेडिट बैलेंस है यानी कि प्रॉफिट है 1,50,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करे उससे पहले हमें पीएनएल अकाउंट की जो क्रेडिट बैलेंस है उसकी ट्रीटमेंट कर देनी है। तो आप लोगों को पता है क्रेडिट बैलेंस है यानी कि ये इनकम है, ये प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को शेयरिंग कर देंगे। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 1,50,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो 3:2। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स को मिलेगा 90,000 एंड वाई को 60,000। नरेशन डालेंगे ब्रिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, समझ गए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसी टाइप का है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:1, यानी कि ओल्ड रेशियो है ए एंड बी के बीच में, ओल्ड रेशियो 4:1। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि न्यू रेशियो है 3:2। अगेन 1 अप्रैल 2020 ऑन डेट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो अ डेबिट बैलेंस,
यानी कि ये डीआर बैलेंस है, यानी कि ये लॉस है 1 लाख, हमें जर्नल एंट्री उसकी पास करनी है। लॉस है यानी कि ये जर्नल एंट्री नहीं होगी, उससे उल्टी जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो उसको हमें क्रेडिट करना होगा, यानी एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएनएल अकाउंट, 1 लाख अमाउंट है, उसको हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अमाउंट आएगी 80,000 एंड बी में 20,000। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पहले हम लोग इसी टाइप के सम्स कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर मीता, गोपाल एंड फारहन ऐसे तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में 3:2:1, यानी ये ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एम जी एफ के रेशियो है 3:2:1, ब्रैकेट में ओल्ड रेशियो। ओके, आगे ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है एंड न्यू रेशियो बना है 5:3:2। आगे द बैलेंस शीट शो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 30,000 एंड कंटिजेंसी रिजर्व 9,000। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये एक्सपेंसेस है यानी ये डेबिट बैलेंस है, ये कंटिजेंसी रिजर्व है यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, आगे गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4,80,000। अब ये गुडविल कौन सी है, ओल्ड गुडविल है, इसको रिटर्न ऑफ करना है, या तो ये न्यू गुडविल है, वैल्यू एट गुडविल है, यहाँ पे लिखा है वैल्यूड एट, ओके, यानी कि ये न्यू गुडविल है, तो इसको हमें क्या करना है। तो मैंने आप लोगों को अगले वीडियो लेक्चर में समझाया थे, दो टाइप्स के गुडविल होते हैं, एक तो ओल्ड गुडविल होती है, उसको रिटर्न ऑफ करना है, यानी कि पार्टनर्स को हम लोग शेयरिंग कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, राइट। ये तो न्यू गुडविल है क्योंकि यहाँ पे लिखा है वैल्यूड एट 4,80,000, यानी ये न्यू गुडविल है, इसको हमें क्या करना होगा, तो गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है उसकी एंड कंटिजेंसी रिजर्व है उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं, बाद में गुडविल का करते हैं। ओके, तो नंबर 1 हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे पास 4 एडजस्टमेंट ऑफ कंटिजेंसी रिजर्व। अब आप लोगों को पता है ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री होगी कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डीआर, अमाउंट है 9,000 टू एम्स कैपिटल टू जीस कैपिटल टू एप्स कैपिटल। अब 9,000 को हमें क्या करना होगा, तो ओल्ड रेशियो में शेयरिंग करना होगा, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो 3:2:1, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एम में आएगा 4,500, जी में आएगा 3,000 एंड एफ में 1,500। अब ऐसे ही हम लोग एडवर्टाइजमेंट का कर लेंगे, लेकिन वो डेबिट बैलेंस है यानी इससे जर्नल एंट्री उल्टी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग टाइटल देते हैं 4 एडजस्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, तो ओल्ड पार्टनर डेबिटेड यानी कि एम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, जीस कैपिटल अकाउंट डीआर, एफ्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट है 30,000। अब इस 30,000 को हमें क्या करना होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो एम में आएगा 15,000, जी में 10,000
एंड एफ में 5000। ये हो गया अक्यूमुलेटेड लॉसेस का। अब हमें क्या करना है, अक्यूमुलेटेड लॉस एंड प्रॉफिट का हो गया, अब हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल की ट्रीटमेंट आप लोगों को सभी को याद होगी। लोग सबसे पहले उनके अंदर सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गेनिंग रेशियो या तो सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, हमारे सामने यहाँ पे ओल्ड रेशियो 3:2 अ न्यू रेशियो है, सॉरी क्वेश्चन ये रहा, हमारे पास ओल्ड रेशियो है 3:2:1 एंड न्यू रेशियो है 5:3:2। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे एम जी एफ इज इक्वल टू न्यू रेशियो 5:3:2 है, इसलिए 5/10, 3/10, 2/10 माइनस ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 10 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक दूसरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 5 × 6 डिवाइड में भी 10 × 6, ऐसे ही माइनस 3 × इस तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 6 × 10 तो इज इक्वल टू आएगा 6×5 = 30, तो 30/60 माइनस 30/60 यानी कि यहाँ पे 0 आया, ये नील आया। ओके, इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है न्यू रेशियो बनने से। आगे जी में भी हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इनकी तरह ही 6 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 10 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6×3 = 18 18/60 माइनस 20/60 यानी यहाँ पे हम लोग 80 में से माइनस 20 माइनस करेंगे तो आएगा 2/60 यानी कि जी है वो सेक्रीफाई करता है। आगे एफ में देख लेते हैं, डिनोमिनेटर हम लोग सेम करेंगे 2 के साथ 6 से मल्टीप्लाई, 10 के साथ भी 6 से मल्टीप्लाई माइनस 1 × 10 6×10 इज इक्वल टू 6×2 = 12 यानी 12/60 माइनस 10/60 इज इक्वल टू 2/60 यानी कि एफ है वो गेनिंग पार्टनर है एंड जी है वो सेक्रीफाइंग पार्टनर है। अब इसको डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो इसको हम लोग कट करके ऐसे रेशो बना सकते हैं माइनस 1/30, यहाँ पे भी प्लस 1/30। ओके, समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ गेन करता है एंड जी है वो सेक्रीफाई करता है, रेशियो उनका दोनों का 1/30, राइट। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अमाउंट है हमारे पास गुडविल की टोटल 4,80,000 मल्टीप्लाई 1/30 तो आएगा 16,000 की हमें ट्रीटमेंट करनी होगी। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड, तो गेनिंग पार्टनर कौन है, एफ, तो एफ डेबिटेड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ्स कैपिटल अकाउंट DR 16,000 टू सेक्रीफाइंग पार्टनर होता है, तो सेक्रीफाइंग पार्टनर है जी, तो जी कैपिटल अकाउंट ओके। बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, वो थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं आप लोगों को पहले उसके बारे में यहाँ पे समझा देती हूँ। क्वेश्चन में आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जनरल रिजर्व है, कुछ ना लिखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यही जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट करेंगे कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में इसको शेयरिंग कर देंगे, राइट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन किया गया हो, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देखे एंड क्वेश्चन नंबर 17 में नंबर 2 में लिखा है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शो इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी कि जब न्यू बैलेंस शीट बनती है तब भी जनरल रिजर्व है वो शो होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को दोनों सिचुएशन पहले समझाऊंगी। हम ये ट्रीटमेंट कर दें, ये कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर,
जब ओल्ड बैलेंस शीट होगी तब जनरल रिजर्व यहाँ पे लिखा होगा 50,000, एंड जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तब यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं होगा। ये हम लोग जनरल एंट्री करें तो ऐसे ट्रीटमेंट करें तो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा मेंशन किया गया हो कि जनरल रिजर्व शुड नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जनरल रिजर्व को आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो ये जनरल एंट्री नहीं बनेगी। एंड जो न्यू बैलेंस शीट बनती है उसमें भी जनरल रिजर्व 50,000 हमें दिखाना पड़ेगा, ओके। एंड उसकी जगह पे दूसरा क्या लिखा होगा, तो जनरल रिजर्व शुड कैरी इन बुक्स इवन आफ्टर चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो हो जाए तो भी आप लोगों को जनरल रिजर्व है वो बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है, बुक्स के अंदर दिखानी है, तो तब हमें क्या करना होगा, तो तब हमें जनरल रिजर्व को ये जनरल एंट्री के साथ नहीं ट्रीटमेंट करनी होगी। हमें क्या करना होगा, तो उसको जैसे हम लोग गुडविल में करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया था गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर, हमें करना होगा क्योंकि इसके वजह से जो भी पार्टनर्स को इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर थ्रू, ओके। यहाँ पे हम लोग करेंगे तब क्या, वापस याद करवा रही हूँ, तब क्या होगा, तो बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है वो हम लोग बताएंगे, एंड ये जनरल एंट्री देंगे तब न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है वो नहीं बताएंगे, ओके बेटा। आप लोगों को समझ में आ गया, तो मैं आप लोगों को इसी टाइप का 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 2:1, आगे ऑन 31 मार्च 2020 द बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व 60,000, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है 60,000। इट वॉज डिसाइड डेट इन फ्यूचर दे विल शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि न्यू रेशियो है 3:2, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो केसेस दिए गए हैं उस केस के अंदर हमें जनरल एंट्री बनानी है। तो नंबर वन केस है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शो इन द न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में शो ना करना हो तो आप लोग जनरल एंट्री उसकी बनाओ। तो सिंपल जो हम लोगों ने यहाँ पे सम्स किए ऐसे ही हम लोग कर देंगे कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर, एंड उसको क्या करेंगे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। केस नंबर वन, जनरल एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, जनरल रिजर्व की अमाउंट है 60,000, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 60,000, ओके। अब आप लोगों को पता है दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होगा, तो ओल्ड रेशियो में होगा, तो ओल्ड रेशियो में 60,000 को हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो एक्स में आएगा 40,000 एंड यहाँ पे 20,000, ओके बेटा। अब हम लोग केस नंबर टू करेंगे, तो केस नंबर टू के अंदर आप लोगों को पता है क्या करना है, तो केस नंबर टू पहले रीड कर लेते हैं। व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शो इन द न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व शो होना चाहिए, यानी कि जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट हम लोग नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर नहीं कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ओके। तो उसके लिए हमें पहले तो गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो फाइन करना होगा, न्यू रेशियो कितना था 3:2, तो यहाँ पे आएगा 3/5, 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 2:1,
टू अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री। डिनोमिनेटर सेम करेंगे यानी थ्री के साथ मल्टीप्लाई, यानी ये थ्री है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये फाइव है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यानी थ्री मल्टीप्लाई थ्री, फाइव मल्टीप्लाई थ्री, माइनस टू मल्टीप्लाई फाइव, थ्री मल्टीप्लाई फाइव, थ्री थ्री जा नाइन, डिवाइड में आएगा फिफ्टीन, नाइन अपॉन फिफ्टीन माइनस टेन अपॉन फिफ्टीन, यानी कि आंसर आएगा माइनस वन अपॉन फिफ्टीन। एक्स है वो सेक्रीफाइंग पार्टनर्स है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, टू मल्टीप्लाई थ्री, फाइव मल्टीप्लाई थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई फाइव, फाइव मल्टीप्लाई सॉरी थ्री मल्टीप्लाई फाइव, सिक्स अपॉन फिफ्टीन माइनस फाइव अपॉन फिफ्टीन, यानी कि यहाँ पे आएगा वन अपॉन फिफ्टीन प्लस में, यानी ये गेनिंग पार्टनर है। तो जनरल एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले कितनी अमाउंट आएगी वो फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट कितनी थी, तो यहाँ पे अमाउंट है 60,000, वन अपॉन फिफ्टीन, तो गुडविल की अमाउंट आएगी 4,000। गेनिंग पार्टनर है वाई, तो जनरल एंट्री बनेगी वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर 4,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000। ओके, दोनों केसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिए जनरल रिजर्व के। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी ओल्ड रेशियो है तीनों के बीच में। ओल्ड रेशियो, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। न्यू रेशियो है 2:3:5। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री, यानी कि जो बुक हम लोग न्यू बनाएंगे यहाँ से 1 अप्रैल 2020 से, तब उसके अंदर बुक वैल्यू में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दो सिचुएशन बताई, एक तो न्यू बैलेंस शीट में लिखा होना चाहिए न्यू बैलेंस शीट में, एंड यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आया कि जब भी हम बुक न्यू बनाएंगे तब बुक वैल्यू में इफेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए, यानी ये वाली सिचुएशन आ गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर, ऐसी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे हमें सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो फाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। जनरल रिजर्व है 6,000, यानी ये CR बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट बैलेंस है, ये दोनों प्रॉफिट है। ओके, एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, यानी ये डेबिट बैलेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी की एक ही साथ जनरल एंट्री दे देंगे, सभी की अलग अलग जनरल एंट्री देंगे तो भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों को कंबाइंड जनरल एंट्री यहाँ पे सिखाऊंगी। तो जो क्रेडिट बैलेंस है उसका हम लोग प्लस कर देंगे, डेबिट बैलेंस है यानी वो लॉस है उसमें से वो माइनस कर देंगे। ओके, तो हमें नेट एडजस्टमेंट किसकी करनी होगी वो पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट अमाउंट आएगी सिक्स थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर थाउजेंड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड। तो नेट हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 18,000 की, ये क्रेडिट बैलेंस बची। ओके, अब हम लोग गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड कर लेंगे।
न्यू माइनस ओल्ड एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो है 5:3:2 एंड न्यू रेशियो है 2:3:5। न्यू माइनस ओल्ड करना है यानी इसमें से हमें ये माइनस करना है यानी 2/10, 3/10, 5/10 माइनस 5/10, 3/10 एंड 2/10। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम ही है तो हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं करना होगा, डायरेक्टली हम लोग माइनस कर सकते हैं यानी यहाँ पे आया -3/10 यानी x है वो सेक्रीफाइंग पार्टनर है, यहाँ पे नील आ गया है, 0 आया इसलिए, एंड ये है गेनिंग पार्टनर क्योंकि प्लस में आया 3/10। अब क्या करना है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर। ओके तो हम लोग यहाँ पे पहले तो अमाउंट गिन लेते हैं कितनी आएगी, इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई 3/10। तो यहां पे अमाउंट आएगी 5,400। ओके तो यहां पे जनरल एंट्री सिर्फ एक ही पास होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर, तो उसकी जनरल एंट्री यहां पे लिख रही हूं मैं। गेनिंग पार्टनर है जेड यानी जेड्स कैपिटल अकाउंट्स, जेड्स कैपिटल अकाउंट डी आर 5,400 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,400। ओके बेटा समझ में आ गया। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग वर्कमैन कंपेजिशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में समझेंगे। ओके एंड आप लोगों का होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14। ओके बेटा अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच।